शाहजहांपुर में तांत्रिक के कहने पर जिंदा बच्ची को दफना दिया था ना, जलालाबाद का एक ऐसा मामला सामने आया है। जैसा कि आपको बताया कि शादाब की पत्नी नगमा अपनी बहन आसमा तथा शाडू नाजिम बेग उर्फ मुन्ना की बच्ची कई महीनों से परेशान चल रही थी तथा जब अबरार तांत्रिक के पास ले गए तो तांत्रिक अबरार ने बताया कि बच्ची की रूह में जमोखा नामक मसान भूत घुस गया है। इसके जीवित रहना परिवार के लिए घातक है। इस मसानी भूत के कारण शादाब की पत्नी की कोख कभी हरी नहीं होगी। इस मसानी भूत से निजात पाना है तो बच्ची को जिंदा दफना दो। और तांत्रिक की बात मानकर शादाब की पत्नी नगमा, साडू नाजिम तथा नाजिम की पत्नी असमा ने बच्ची को जिंदा दफना दिया, लेकिन ऊपर वाले को ये मंजूर नहीं था। इसलिए दफन होने के बावजूद बच्ची की चीख खेतों पर काम कर रहे ग्रामीणों ने सुनी तो बच्ची को बाहर निकाला और ग्रामीणों की मदद से बच्ची को जलालाबाद के नागरी अस्पताल में भर्ती कराने के साथ पुलिस को सूचना दी और जलालाबाद की पुलिस ने बच्ची को जिंदा दफनाने वालों की तलाश शुरू कर दी। और आज जलालाबाद पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है और तांत्रिक सहित पुलिस ने बच्ची के बाप शादाब, मौसी आसमा तथा तांत्रिक अबरार को पकड़ लिया। पकड़ने में एसआई नेपाल सिंह, एसआई सत्येंद्र सिंह तथा आज पुलिस ने धारा 307, 120, 317 में तीनों को जेल भेज दिया। बच्ची की मां तथा मौसा फरार है। जिला क्या कुछ किस तरीके से पुलिस खुलासा कर रही है, क्या कुछ पाया? देखिए, थाना जलालाबाद क्षेत्र के गांव पुराना में तालाब के पास 18 जनवरी को एक माँ की बच्ची का बच्ची मिली थी, वहां पर गड्ढे में पड़ी हुई। पुलिस द्वारा उसको तुरंत ही रिकवर करके अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया था और जिस तरह से लोगों ने उसको देखा था उनकी तहरीर के आधार पर थाना पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत किया इस केस में और सरगर्मी से विवेचना के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आया कि थाना काट क्षेत्र में के रहने वाले एक परिवार है जिन्होंने लड़की की बीमारी से परेशान होकर के एक तंत्र मंत्र करने वाले व्यक्ति के कहने पर उस लड़की को फेंक दिया था और उसे गड्ढे में दबा दिया था, यह सोच के कि इसके दबाने से उनके परिवार की गाड़ियाँ खत्म हो जाएंगी और उनको लाभ मिलेगा। फिर इससे इसी आधार पर पुलिस ने विवेचना के दौरान तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें जो लड़की है उसका पिता गिरफ्तार हुआ है, एक तंत्र मंत्र करने वाला गिरफ्तार हुआ है और जो उनके परिवार का एक रिश्तेदार भी गिरफ्तार हुआ है। इन तीनों की गिरफ्तारी कर इनको जेल भेजा जा रहा है अंतर्गत धारा 307, 317, 14। शाहजहांपुर से अजीत श्रीवास्तव की रिपोर्ट, समाचार इंडिया न्यूज, शाहजहांपुर।